हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज 2.0। गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं जनजी एक्स्ट्रा की एक वीडियो, बाबुल, मतलब न्यू वीडियो है ये। बाबुल, अवधेश मिश्रा, नीलम गर्ल, शशि राजन, देव सिंह, ट्रेलर रिव्यू। ओके, तो ये एक ट्रेलर का रिव्यू होने वाला है, ठीक है, जन जी के स्टाइल में। वो अक्सर रोस्टिंग रिव्यू मतलब वगैरह करते हैं, तो देखते हैं यार इस वीडियो में उन्होंने इस जो ट्रेलर है उसका क्या कंक्लूजन निकाला है, और फिर हम लोग उस ट्रेलर को मतलब उसके बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, उसके बाद में इसके बारे में बात करते हैं। आपके लगे जो पैसा जमा करके रखे हैं ना, तो वो अगर दे देती तो अपना दवाची की बुलेट मोटरसाइकिल दे देते हम भी। अजी, तो क्या हाल है? ठीक है। दोस्तों, बहुत दिन से मैं किसी भी भोजपुरी फिल्म के ट्रेलर का रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसी कोई फिल्म आ ही नहीं रही है जिसे देखने के बाद लगे कि हाँ यार, ये तो कुछ धमाका ही है, ये कुछ अलग है, ये कुछ अच्छा है। कई सारे पुराने फिल्मों का छोटा छोटा सीन कट करके उसको जोड़ मिला करके एक फिल्म बना देना, और हर सीन के बीच में 8-10 गाने घुसड़ देने को मैं फिल्म तो बिल्कुल नहीं मानता हूँ, सिवाय चूतियागिरी। आज के समय में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हमारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो अभी वेंटिलेटर पर है, बीमार हो गई है और उसको ऑक्सीजन की जरूरत है। और अभी भोजपुरी में जो माहौल है उसे देखते हुए ये लगता भी नहीं है कि कोई भी ऑक्सीजन फूकने के मूड में है। सब एक दूसरे की टांग खिंचाई में अभी बिजी हैं। जब सब फुर्सत में आएंगे तो फिर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सोचा जाएगा। बट इतनी खतरनाक परिस्थिति में भी अगर ये कहें कि कोई एक ऐसा है जो जी जान लगा करके भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की जान बचाने के लिए लगा हुआ है, तो वो कौन है वो बाद में बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं उसकी मेहनत के बारे में। तो कल मैंने एक ट्रेलर देखा जिसका नाम है बाबुल। आप जैसा पिता भगवान सबको दे, पर आप जैसा पिता को भगवान गरीब और लाचार ना बनाए। ये ट्रेलर देखने के बाद मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये एक बवाल है। बवाल, वो चमचों वाला बवाल नहीं, ये रियल वाला बवाल है। प्यार के पन, जो कहानी, जो स्क्रीन प्ले, जो एक्टिंग, जो डायरेक्टरी या जो म्यूजिक, किसी भी चीज की इस फिल्म में कमी नहीं है। और ये तो सिर्फ ट्रेलर की बात है, पिक्चर तो अभी बाकी है। ओह माय गॉड, कल जब मैंने ये ट्रेलर देखा तो वाकई में मेरा मन एकदम गदगद हो गया, और मैंने तुरंत फेसबुक पर एक पोस्ट भी किया था। मैं कभी भी किसी भी फिल्म, किसी भी ट्रेलर, किसी भी गाने के बारे में कभी भी पोस्ट नहीं करता हूँ, मैंने पहली बार किया। क्यों? क्योंकि ये वाकई में भोजपुरी के लेवल की फिल्म है, भोजपुरी की लेवल की। और भोजपुरी का क्या लेवल है अगर आप ठीक ढंग से जानोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी का लेवल सबसे बड़ा है तो वो है भोजपुरी, क्योंकि भोजपुरी के पास पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी ऑडियंस है। हाँ, कलाकार छिनरी बुजरी से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो अलग बात है। इस फिल्म के जो लीड रोल में हैं, अवधेश मिश्रा, इन्होंने ही इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया है। क्या बात है। इनके बारे में अगर बात करें तो इनके बारे में मैं पहले भी बहुत बात कर चुका हूँ कि ये वो अभिनेता हैं जिनकी हैसियत और शख्सियत कलाकारी में बहुत बड़ी है। अब भोजपुरी वाले उसे पहचान नहीं पा रहे हैं, उनसे करवा नहीं पा रहे हैं, वो अलग बात है। भोजपुरी में ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो बहुत बड़ा कर सकते हैं, बस उन्हें उनके लेवल का मंच नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री जो है वो अपने परंपराओं से ऊपर उठ ही नहीं पा रही है। वही चोरी चपाटी वाले सीन, वही 10-20 गाने, वही लव स्टोरी, हर फिल्म की एक ही कहानी, बस इससे आगे ये लोग कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। जो अच्छे कलाकार हैं
उनकी कलाकारी ही नहीं पहचान रहे तो करवाएंगे क्या उनसे। सही बात। क्योंकि वो परंपराओं में बंधे हुए हैं। बट अवधेश मिश्रा जो है वो इन परंपराओं को तोड़कर आगे निकले हैं और उन्होंने जुगनू और बाबुल जैसी फिल्म बना करके उन्होंने अपना लोहा मनवा दिया। क्या बात है यार। इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बड़ा कर सकते हैं अगर जाति पात से फुर्सत मिले तब। ये फिल्म टोटली हिंदी में है, बस इस भाषा में थोड़ा सा भोजपुरी वाला फ्लेवर दिया गया, टच दिया। हम तुमको अपना नियन मरे नहीं देंगे, हम तुमको बचाएंगे। इस फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद मैं यही कहूंगा कि भोजपुरी को ऐसी ही फिल्मों की जरूरत है। वो हमारे घर के बाहुल्य नंदन की। आपका सोच इतना कंजूस कैसे हो गया कि कष्ट में किसी का साथ छोड़ दे। अपनी घेसी पीटी परंपराओं से ऊपर उठना पड़ेगा और कुछ धमाका करना पड़ेगा। फिल्म में एक्टिंग की बात करें तो ज़्यादातर तो अवधेश मिश्रा का ही दिखाया गया है एक्टिंग, तो वो तो भाई काबिले तारीफ है। ट्रेलर ही है ये, तो बाकी फिल्म आएगी तो देख लेंगे। कोई कॉमेडी सीन नहीं है इसमें, कोई एक्शन नहीं है। ये सीधे दिल पर लगने वाली एक गरीब की कहानी है जिसकी दो बेटियाँ हैं। बाबुल गरीबी और गुलामी के दलदल में फंसे एक ऐसे पिता की कहानी है। उन बेटियों की माँ नहीं है, बचपन से बाप ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। जिसकी दो मासूम बेटियाँ ही उसके जीने की आस है। बाकी कहानी जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। कब आएगी फिल्म मुझे पता नहीं है, बट जब भी आएगी धमाल मचा के जाएगी। आ गई पिशाचिनी। मालकिनी कहते हैं हमको, मालकिनी। ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे कहीं जाना है। बाकी अगर आप ये ट्रेलर देखना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी पर जाकर वहाँ देख सकते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप देखिए और आप अपना ओपिनियन बताइए कि आपको कैसा लगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओके यार, यहाँ पे ये मतलब झंड जी की तो वीडियो ख़त्म, लेकिन पता है क्या, इस ट्रेलर के बारे में इन्होंने मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है सर ने, और मुझे ये ट्रेलर देखना है यार, मुझे देखना है बस, प्लीज़ दो मिनट और रुक जाओ। तो चलो यार ये एक बार ट्रेलर भी देख लेते हैं, उसके बाद मतलब झंड जी का रिव्यू वो जो है सोचेंगे, मतलब देखेंगे कि हाँ वाकई इस मूवी के लिए जस्टिफाइड है या नहीं है। मतलब मैं भी अपना ओपिनियन देना चाहूँगी इस ट्रेलर पर। ओके, तो मैं एक सेपरेट वीडियो ना बनाकर जो झंड जी की रिव्यू वीडियो है उसी के साथ इस ट्रेलर को देख रही हूँ और अपना रिव्यू इसी में दूंगी। ओके, तो चलो यार ये ट्रेलर देखते हैं पहले। ये क्या है, जंजीर है? बाबू अब रोइएगा मत। बाबुल गरीबी और गुलामी के दलदल में फंसे एक ऐसे पिता की कहानी है जिसकी दो मासूम बेटियां ही उसके जीने की आस है। हम तुमको अपना नियन मरे नहीं देंगे, हम तुमको बचाएंगे, हम अपना बेटी को पढ़ाएंगे। अरे वाह, जोना दिन तुम्हारा ससुराल वाला की स्वाद लगेगा ना, उंगली चाट लेगा उस उंगली, बुझी? इतना पढ़ावला लिखावला के बाद भी अपना बिट्टू के बिया खाती ना लेके वालन खाली दहेज मांगता है। देखते तुम्हारा ब्याह में ना हम अपना कंधा पे ना तुम्हारा डोली को उठाएंगे। हमारा शादी इतना जल्दी मत करिए ना, कुछ दिन और रहने दीजिए ना ये घर में। लेकिन तो हमें पराया धन कर दिया ना, वो तो उगती कहीं और है और फलती कहीं और जाकर के है, बुझी? तो बाबू को सुधीर जी के बारे में काहे नहीं बताती हो, वो तो तुमको पसंद भी करते है ना। ये अगर हमारा प्यार सच्चा है ना तो एक न एक दिन हमारा मिलन जरूर होगा। इस एक्टर को मैंने हिंदी फिल्म में भी देखा है जो इनका बॉयफ्रेंड है, जो कि मालकिनी। ओह माय गॉड, अरे हमारी प्यारी बहनिया के
करतूत से कुड़कुर के ताप के पूरा दमिल लकवा मार दिया है। आपके लगे जौन पैसा जमा करके रखे है ना, तब अगर दे देती तो अपना दवाची के बुलेट मोटरसाइकिल दे देते हम भी। अन्न उपजाए आप लोग और अन्नदाता वो हो गई मलकिनी। हाँ, हमारे चले जाने के बाद बापू एकदम अकेले हो जाएंगे सुधीर जी। हर बाप का सबसे बड़ा सपना होता है अपनी बेटिया कन्यादान करना, इससे अलग मत कीजिए उनको। आज से हम दोनों बहनी भी आपके साथ काम करेंगे। हाय, हमारे घर के बाहुले बंद कर दिया। आपका सोच इतना कंजूस कैसे हो गया कि कष्ट में किसी का साथ छोड़ दे। प्यार के पनपत पतैया सूरज बगीचा वाला जमीन है बेच दो। अरे पकड़ा गए हो क्या उन्हें? कबो ना को मिलावे। गुजब कहता है चुटकी, पकड़ा गए हम। गरीबी के दलदल से कैसे भी निकल जाते। आप जैसा पिता भगवान सबको दे, पर आप जैसा पिता को भगवान गरीब और लाचार ना बनाए। ओ रे गॉड, क्या बवाल ट्रेलर है यार। झंड जी जो भी कह रहे थे ना, 100% सच है यार, 100% सच। मतलब एक रिव्यू वीडियो पर मैंने रिएक्शन दिया, ठीक है, उसके लिए लोग मुझे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हाँ, कि रिव्यू वीडियो पर ये रिएक्शन बना दिया, लेकिन मुझे अपने मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई इस चीज़ से, ठीक है, कि मैं जब मैंने झंड जी का रिव्यू देखा, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा, पता है मैंने ये वीडियो देखी नहीं थी पहले, झंड जी की रिव्यू वीडियो पहले नहीं देखी थी, तो मुझे ऐसा लगा था शायद ये रोस्टिंग रिव्यू करेंगे, है ना। तो लेकिन जिस तरह से उन्होंने तारीफ़ की इस मूवी की, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा यार ट्रेलर कसम से देखने लायक कोई चीज़ है कसम से। सो मैंने ये ट्रेलर देखा एंड वाओ यार, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कसम से। इतनी इंटेंस मूवी, सच में यार ये नेटफ्लिक्स लेवल की मूवी है, नेटफ्लिक्स लेवल की मूवी। मतलब तुम लोग सोच सकते हो कि जिस इंडस्ट्री में केवल नाच गाना और ये लव स्टोरी वगैरह लोग ज़्यादा देखते हैं, ठीक है, उन पे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, मैं व्यूज़ की बात कर रही हूँ, लव स्टोरी वगैरह पे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं और इसीलिए शायद डायरेक्टर इस टाइप की मूवीज़ भी बनाते हैं, लेकिन वहाँ पे ये ऐसी एक मूवी बनना जो कि समाज को उसका असली चेहरा दिखा दे, ऐसी मूवी कसम से यार बनाना बहुत ज़्यादा, एक तो अपने दिल पे बहुत बड़ा एक वो पत्थर रखने वाली बात है कि पता नहीं लोगों को ये रहता है ना कि जिस इंडस्ट्री में यार ज़्यादातर लोग गाने एंजॉय करते हैं, लोग ज़्यादातर डांस देखना पसंद करते हैं, लोग ज़्यादातर लव स्टोरी देखना पसंद करते हैं, वहाँ ऐसा कोई सामाजिक कुरीति पे अगर मूवी बनेगी तो उस पे लोग देखेंगे, उसे देखना पसंद करेंगे या नहीं पसंद करेंगे। लेकिन यार ये मूवी अगर किसी ने ना देखी ना, कसम से उसकी सोच भैया गटर वाली है सच में। मतलब इतनी इंटेंस मूवी, एक गरीबी को एक इतनी अच्छी तरीके से पोर्ट्रे किया गया है कि एक बाप की लाचारी, एक बाप की मजबूरी क्या होती है अगर एक बाप गरीब है और उसके घर में एक बेटी हो, ठीक है, क्योंकि हमारा समाज इतना लुच्चा लफंगा है, इतना ज़्यादा लुच्चा लफंगा है कि वो ये नहीं देखता कि बेटी कितनी लायक है, ठीक है, वो ये नहीं देखता कि बेटी के साथ मतलब उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, और वो कितनी गुणी है या वो कितनी अच्छी है या वो कैसी है, कुछ नहीं देखता। सिर्फ क्या देखेंगे, या बेटी सुंदर है कि नहीं, ठीक है, बेटी के पास मतलब गहने कपड़े हैं या नहीं, बेटी के बाप के पास देने लायक क्या है, मतलब सिर्फ अपने बेटे को बेचते हैं वो बस,
कि तुम अगर हमारे लड़के को बुलेट गाड़ी दोगे, हमें पूरा मतलब घर गृहस्थी का सामान दोगे, ठीक है, तभी शादी हो सकती है, क्योंकि तुम अपनी बेटी थोड़ी ना दे रहे हो, तुम उनका घर भर रहे हो। वो लोग तो भिखारी हैं, उनके घर में तो खाने पहनने को कपड़ा है नहीं कुछ। दहेज लेना ज़्यादा ज़रूरी है ना, क्योंकि बिना दहेज के उनका घर नहीं चलेगा। बेचारे इतने ज़्यादा भिखमंगे होते हैं कि मतलब दहेज लेकर ही अपना काम चलाते हैं। सो बेटी का बाप एक तरीके से उन्हें उनके को जीने का साधन देता है, लेकिन वो जीने का साधन भी ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो इंसान के गुण होते हैं और जो वो खुद कमाता है, बस वही उसके साथ ज़िंदगी भर रहता है। सो आई होप यार आप लोग को मेरा रिव्यू भी पसंद आया होगा, एंड ये मूवी यार ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त है कसम से। और मतलब ये भोजपुरी मूवी वैसे यहाँ बिजनौर में थिएटर में मुश्किल ही है कि लगे या ना लगे, ठीक है, तो जब भी ये मतलब टीवी पर या फिर यूट्यूब पर अगर आएगी तो मैं इसे देखना ज़रूर पसंद करूँगी। एंड सच में यार घुसबंप आ गए इस ट्रेलर को देख के कसम से यार, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेलर है। सो आई होप आप लोग को मेरा भी रिएक्शन और रिव्यू पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।